भारत में आज भी अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनको पूरे विश्व के वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं, जिन पर सदियों से चर्चा होती आई है और आज भी हो रही है, फिर भी इनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। शायद अब विज्ञान के पास इनका हल ही नहीं है, इसीलिए अब देश के अनसुलझे रहस्यों के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट वन पर। आज हम बात करेंगे भारत के 10 रहस्यों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, समुद्र के नीचे द्वारिका। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही और रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि यहाँ क्या है। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते। काफ़ी समय से जाने माने शोधकर्ताओं के अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। नंबर 9, सोन भंडार गुफा। बिहार के राजगीर में छुपा है मौर्य शासक बिंबिसार का अमूल स्वर्ण भंडार। बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। यह शहर बुद्ध से जुड़े स्मारकों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसी राजगीर में है सोन भंडार गुफा। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे कि आज तक कोई खोज नहीं पाया है। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं। नंबर 8, रूपकुंड झील। यह नदी हिमालय पर्वतों में स्थित है। इस तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए, पर वे नाकाम रहे। यह कंकाल देखकर पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। माना जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अभी इस खोजबीन को गुप्त रखा जा रहा है। खास बात यह है कि इतने बड़े मनुष्य के होने का कहीं कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। क्या सचमुच इतने बड़े आकार के मानव होते थे? यह पहला प्रमाण है जिससे यह सिद्ध होता है कि उस काल में कितने ऊंचे मानव होते थे। नंबर 7, जतिंगा गांव। असम में स्थित यह गांव पंछियों के आत्महत्या की घटनाओं के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जाता है कि पंछी यहां आकर आत्महत्या करते हैं। जापान के माउंट फूजी तलहटी में आओकिगोहारा के जंगलों में जिस तरह से लोग आकर आत्महत्या करते हैं, ठीक उसी तरह मानसून की रात में पंछी आसमान में मरराने लगते हैं, और जब लोग सुबह उठते हैं तो उनको पंछियों की लाश मिलती है, जो साल में एक बार होता है। इस घटना को लोग पंछियों की सामूहिक आत्महत्या मानते हैं। पंछियों की इस प्रकार सामूहिक आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका। इस बात का पता लगाने के लिए कई शोध हो चुके हैं, परंतु प्रकृति के इस अनोखे रहस्य के बारे में अभी भी ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। असम के कछार स्थित इस घाटी के रहस्यों के बारे में जानना जरूरी है। नंबर 6, भारत की गुफाएं। भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। ये सभी गुफाएं किसने और कब बनाई, इसका रहस्य अभी सुलझा नहीं है। अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान के बामियान की गुफाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भीमबेटका में 750 गुफाएं हैं, जिसमें से 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हुए हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुराना मानते हैं, तो कुछ 1200 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाणिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये अनेक पर्वतों से घिरी हुई हैं। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है, और इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत वैज्ञानिक लोग नहीं जुटा पाए कि यह कब से निर्मित हुई थी। नंबर 5, तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को स्वर्ग कहते थे। यह अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्चिन से 30 मीटर की दूरी पर यम का द्वार स्थित है।
पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। तिब्बत के लोग इसे चोटिन कांग नगी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं। ढेरों शोध हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका और ये एक रहस्य ही बना हुआ। नंबर 4, सापित गांव कुलधारा। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो आप इस रहस्य को जानकर घबराइएगा मत। इस गांव में कभी 2000 से ज़्यादा की आबादी थी, लेकिन अचानक से इस गांव में एक ही रात में सब लोग गायब हो गए। इसके पीछे एक लड़के और लड़की के प्यार की कहानी बताई जाती है। कहते हैं कि लड़की के गुस्साए पिता ने लड़के को मार दिया था। इसके बाद यह गांव खाली हो गया, लेकिन इसकी अभी पुष्ट नहीं हुई है और इस रहस्य की खोज अभी जारी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस गाँव में जिससे लोग इस गाँव को छोड़ के चले गए। नंबर 3, बच्चे शांति। 1930 को दिल्ली में जन्मी शांति देवी का रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया है। इन्होंने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता को अपने असली माता पिता मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, वो अपना असली नाम लुगड़ी बताने लगी थी। उनका कहना था कि वह पिछले जन्म में अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही मर गई थी। जब इस बात की सच्चाई का पता लगाया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा कही गई सारी बातें सही थीं, किंतु वैज्ञानिकों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया और वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, लेकिन इस रहस्य का पता वैज्ञानिकों के पास आज भी नहीं है। नंबर 2, केरल का कोंडही गांव। भारत के प्रमुख रहस्यमय स्थानों में से एक है। आपने सीता गीता और जुड़वा जैसी फिल्मों के सीन देखे होंगे। ठीक इसी प्रकार आपको केरल के कोंडही गांव में जुड़वा लोगों के जोड़े देखने को मिलते हैं, जो इस जगह को रहस्यमय बनाती हैं। यहाँ 2000 जनसंख्या में से लगभग 350 जुड़वा जोड़े हैं। ये पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है कि वहाँ के अधिकतर घरों में आपको 2 या 3 जुड़वा बच्चे मिल ही जाएंगे, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 1, प्रहलाद जानी। अगर आपको 24 घंटे खाना ना दिया जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन प्रहलाद जानी उर्फ चुनरी वाला माता जी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 80 साल से बिना खाना खाए और पानी पिए जिंदा हैं। जिनका जन्म 13 अगस्त 1929 को गुजरात के मेहसाना जिले के चारंदा गांव में हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही घर त्याग दिया था। ये एक भारतीय सांसारिक साधु थे जिन्होंने 1940 से भोजन और पानी के बिना रहने का दावा किया, जो कि 80 साल होता है। इन्होंने कहा कि देवी अम्मा ने इनका पालन पोषण किया है। इनके ऊपर कई विदेशी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। उन पर जांच के निष्कर्षों को गोपनीय रखा गया है और संदेह के साथ देखा गया है। उन्होंने कई मीडिया और सार्वजनिक प्रदर्शन किए हैं। तो ये थे भारत के 10 रहस्य जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हालांकि कई वैज्ञानिक अभी भी इन पर शोध कर रहे हैं। अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।